भी आ जाएंगी तो मैं ये चाहूंगा कि आप जागना मेरा सार्थक हो गया। मैं चार पंक्तियां राजेश राय की याद आ रही है कि न हम सल्फास खाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं, न हम सल्फास खाते हैं, जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगाते हैं। बड़े शहरों में तंबू टंत सिर्फ पाखंडी लगाते हैं, जो सही साधु हैं वो जंगलों में भटकते हैं, सही साधु जंगलों में धोनी रमाते हैं, बड़े साधु सही साधु जंगलों में धोनी रमाते हैं, बड़े शहरों में तंबू टेंट सिर्फ पाखंडी लगाते हैं, सुबह चैनलों पे बाबा जो बहाते हैं ज्ञान की गंगा वो न जाने रात में कहां डुबकी लगाते हैं। ना तीर से डर लगता है, ना तलवार से डर लगता है, ना किसी चैनल ना अखबार से डर लगता है। तन्हा जेल से आसाराम बापू ने कहा है, हमें समीज और सलवार से डर लगता है। कि सही साधु जंगलों में धोनी रमाते हैं, बड़े शहरों में तंबू टंट सिर्फ पाखंडी लगाते हैं, सुबह चैनलों पे बाबा जो बहाते हैं ज्ञान की गंगा वो न जाने रात में कहां डुबकी लगाते हैं, सुबह चैनलों पे बाबा जो बहाते हैं ज्ञान की गंगा। तो दृश्य परिदृश्य यह है, वास्तव में हिंदुस्तान जो है अपना बड़ा विचित्र देश है, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्था वाला देश है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो जमाना चला गया जब मधुबन में राधिका नाचती थी, आज अतरिया तिलोत्तम कबूतर नाचने लगे हैं। पहले अपने देश में होता था राष्ट्रगान और वंदे मातरम, लेकिन आज जो वंदे है वो मात्र रम पिए जा रहे हैं, जो बंदे हैं वो मात्र रम पिए जा रहे हैं। अभी आदरणीय ने गीत गाया, हद कर दी आपने, तो वास्तव में तमाम तरह के ऐसे ऐसे गीत है हॉलीवुड बॉलीवुड के, आजकल ऐसे ऐसे गाना है गुरु जी, कुछ गाना सुने दादी वो फांसी लगाई जान दई गई का, मैंने ऐसे ऐसे गाना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखे चाहे भारद्वाज की डिक्शनरी में, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे गीत है जिसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे बहुत पहले गाना है, साजन मेरा उस पार है, हम मिलने दिल बेकरार है, हमका जब दिल बेकरार है कहे वहां पार है, नहीं घर ही चले आओ। अब हम जानते ना क्या उस पार है, कि साजन मेरा उस पार है, क्या शुक्र ऊपर 20,000 उधार है, समझ तो वहां पार है। अब कोई गाना है, एक गाना ऐसे आया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हमका मोटरसाइकिल बैठ जाओ थाना छोड़ देंगे, पुलिस दरबार मारेगी गाना छोड़ देंगे, बाबू मरीज खाना छोड़ देंगे, कोई गाना है। एक गाना इतना अतिशोक आया उसको तुरंत बैन हो जाना चाहिए, तुरंत बंद हो जाना चाहिए। एक गाना आया, तो धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, हम कहा चिट्टा वाला लक्षण मनुष्य कब से पाया जाने लगा। तब मैंने कहा क्या दुनिया की सभी खूबसूरत वस्तुओं पर तुम्हारी सत्ता है, पहले ही बता तू आदमी है कि कुत्ता, तुम्हें की पहचान लेता है। एक गाना से बहुत पहले चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है, हमका जब चलते चलते तुम थक जाते हो, चलते चलते रुक जाते हो, ये पगला प्यार नहीं है, ये कमजोरी लक्षण है। आप पहले चौर प्रास खाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ, मैंने इसे गाने हैं कि दिल से पड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, हमका दिल है सर्व जनता बल है तला टुकड़ा हो गया, मैंने इसे गाने हैं। तेरी जुल्फों की छाव में सुबह शाम कर लेंगे, हमका जुल्फक महानगर पालिका गोदाम है, मैंने ऐसे ऐसे गीत है। अच्छा हॉलीवुड बॉलीवुड वाले तो कुछ ठीक है, भोजपुरी वाले और माशे अल्लाह, बीड़ी जलौले पिया जिगर से जिगर में बड़ी आग है, हम कहते जिगर में तनी आग है तो कहे मरिए जला रहे कुकर रख दे दाल पक जाए सिलेंडर नौ सौ के पार है, हाँ कुकर में तो दालों पके वहां जब दिल में तनी आग है। अगर गुरु जी ऐसे रह गए, हमारी सरकारें उदासीन रह गई, आने वाले दिनों में हिंदी के हाई स्कूल हिंदी के प्रश्न पत्र में अब कबीर दास सूरदास तुलसीदास मलिक मोहम्मद जायसी रसखान का जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आएगा। ऐसा आ सकता है आने वाले दिनों में कि बाजा बाजी की मैं बाजी संदर्भ सहित व्याख्या करूं, लड़का लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश सुसज्जित सहज सरस सरल रस परिपूर्ण रजमयी हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि के निरहुआ नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता के रंग लीला अंगीला है। बात समझे जोरदार तालियां और
अब ऐसे अंतिम अद्वितीय विस्फोटक आइटम को आपको सुनना है। हाँ, वो कहां से शुरू करें, कहां से अंत करें, किसी को खबर नहीं रहती है। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से, गमई पंक्तियों से उनको उठाना चाहता हूं। चाहते नहीं था गुरु? अच्छा सर जी, तब मैंने कह दिया चार पंक्तियों से उनको बुला दिया कि बिन बुलाए कतौ जाब अच्छा न लागे, बिन बुलाए कतौ जाब अच्छा न लागे, छोड़ के किहू से बतिया अच्छा न लागे, जब भगवान के हम नहीं मरही के जुआर, तो महल के ख्वाब देखब अच्छा। जब भगवान के हम नहीं मरही के जुआर, तो महल के ख्वाब देखब अच्छा न लागे। अब अंधेरी रात में दियनों के रोशनी बढ़िया, मगर दुपहरिया के महताब अच्छा न लागे। अब दांत कल नहीं अचर खराब कई नाम ऐसन फुहरिन के पान खाब अच्छा न लागे। दिन बुलाए कतौ जाब अच्छा न लागे, छोड़ के केहू से बतियाब अच्छा न लागे। हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं हिंदुस्तान के, यहाँ 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 एक बूट को भी समंदर लिखा गया, यहाँ एक बूट को भी समंदर लिखा गया, भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा काट कर अर्जुन को विश्व का धनुर्धर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा काट कर अर्जुन को विश्व का धनुर्धर लिखा गया। तो ये तो हिंदुस्तान ड्रामेबाज देश है, हम लोग बहुत पहले से तमाशेबाज हैं, आज के नहीं। भगवान राम, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति होती है, इस पे भगवान राम ने विश्वास नहीं किया, लंका पे चढ़ाई किया, रावण जैसे बलशाली योद्धा से लड़ाई किया, लेकिन अपनी सेना में उन्होंने एक भी मनुष्य को भर्ती नहीं किया। नल नील अंगद बंदर भालुओं को ले गए, एक भी मनुष्य को भगवान श्री राम ने अपने दल में शामिल नहीं किया। वो जानते थे ये मनुष्य, ये तमाशेबाज आदमी कब कौन तमाशा खड़ा कर दे। तब भारती की चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि लंका विजय के सब प्रयास तार तार हो जाते। डॉक्टर संजय यादव जी की ओर से, बारह नंबर से इतना माला माल है, माला कौन जरूरत है। हाँ, जब बहुत ज्यादा माला पहना दिया जाता है, जैसे अभी संतोष शुक्ल को इतना माला पहना दिया गया, दूर से तो ये लग रहा होगा कोई मनाई है, मजार उजार खड़ा है, हमने समझ में नहीं आदमी तो बहुत माला पहनने में भी थोड़ा सा जो है। तो मैं कह रहा था कि लंका विजय के सब प्रयास तार तार हो जाते, राम की सेना में यदि एक मनुष्य होते तो निश्चित था कि वो हार जाते। लार टपकती कहते अरे बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन गठियाते गठरी सब फरार हो जाते, लड़ता कौन गठियाते गठरी सब फरार हो जाते। तो हालात इस तरह से, न सीता रह गई है न गीता रह गई है। जब कोई जनक, जब कोई अर्जुन युद्ध से विमुख होता है तब गीता पैदा होती है। जब कोई जनक अपनी प्रजा के लिए खेतों में नग्न होकर सोने का हल चलाते हैं तब सीता पैदा होती है। सीता जो आज से हजारों हजारों साल पहले लोग लाख बस जिंदा धरती में समा गई, उसी दिन उनके जीवन की आखिरी शाम हो गई। बची थी आज गीता, वो भी लाल कपड़े में बंद अदालत में बदनाम हो गई। गीता पे हाथ रख के हर क्लाइंट हर मुवक्किल कहता है, वकील साहब भी है यहीं कहीं क्रिमिनल के, गीता पे हाथ रख के हर क्लाइंट हर मुवक्किल कहता है मिलाड जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन बदलते दौर में बहुत कुछ बदला है। गीता पे हाथ रख के भगवान श्री राम ने कहा कि सीता हमारी है। इतने में दस साहब ने कहा ठहरो, अभी रावण का भी फोन आया था, वो भी इसका उत्तराधिकारी है। अभी रावण का भी फोन आया था, वो भी इसका उत्तराधिकारी है। आइए गुदगुदाते हटाते, क्योंकि गांव गुराव का ये माहौल है, माताएं बहने भी बैठी हैं, तब मुझको चिरकुट इलाहाबादी याद आते हैं। और जहां माँ की बात अभी आदरणी ने संतोष शुक्ल माँ बाप की बात कह रहे थे, लेकिन आजकल दादा हालात इस तरह से हो गए हैं। एक बूढ़ी माँ थी, उसके दो जवान बेटे थे। वो बूढ़ी माँ 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ रहती थी, खाना खाती थी, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ रहती थी, खाना खाती थी। लेकिन जिस महीने में 31 तारीख होता था, उस बूढ़ी माँ को एक दिन उपवास रहना पड़ता था, व्रत
कहना पड़ता था। जब दो जवान बेटों पर एक बूढ़ी माँ भारी पड़ने लगे तब ये अंजाना कहता है, प्रेमी जहाँ आधे देश प्रेमी बैठे हो उनकी जानिब से मैंने कह दिया कि घर में मचाए बवाल रखा है और बाप की दवाई को हफ्तों से ताल रखा है, बड़े नाज से परवरिश करता है कुत्तों की एसी में लेकिन बूढ़ी माई को घर से निकाल रखा है, बड़े नाज से परवरिश करता है कुत्तों की एसी में लेकिन बूढ़ी माई को घर से निकाल रखा है। तब मुझे चिरकुट इलाहाबादी याद आते हैं जहां माताएं बहनें वहां बरामदे में बैठकर देख रही हैं, सुन रही हैं। इस कवि सम्मेलन गांव का ऐसा कवि सम्मेलन, अद्भुत कवि सम्मेलन है जहां महिलाएं और हमारी माताएं बहनें बैठकर सुन रही हों। तब मुझे चिरकुट इलाहाबादी की वो पंक्तियां याद आ रही है कि बदलते दौर में जो कुछ बदला है कि माई कभा में चूल्हा फूकत भाव जाए सुखवान निकलिए, माई कभा में चूल्हा फूकत भाव जाए सुखवान निकलिए, भराव के कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकलिए, जंगल चोर मेहरान निकलिए, लड़ाई बड़े बरियार निकलिए, के करे माथे शान बघारी कुल चिटियाई बेकार निकलिए, माई कमा में चूल्हा फूकत भाव जाए सुखवान निकलिए, भयाव के कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकलिए, जंगल चोर मेहरार निकलिए, लड़ाई बड़े बरियार निकलिए, के करे माथे शान बघारी कुल चिटिये बेकार निकलिए, कि भाई दुहत की तान उठावे एक भैंस पाल तीन आदमी चाहे, एक लाठी में पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा रहे, दूसर का कुछ चलाए उलाए तो तीसर का दूध निकाले, हाँ ना हो तो काबा दही कही दही लगे देखो, कि भाई दुहत की तान उठावे बर्धा हेंगा देर पर आए, कुकुर जाए पछवारे सोए चोर चाहे मूस लई जाए, कितना वथवा कुत्ता दिलाल कोई मतलब नहीं है, चाहे जर्मन से फड़ो चाहे जिस ब्रांड का हो, तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि धन से होना गरीब और दिल से होना धनवान, झोपड़ी में लिखा होता है सुस्वागतम, महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान, भाई दुहत की तान उठावे बर्धा हेंगा देर पर आए, कुकुर जाए पछवारे सोवे चोर चाहे मूस लई जाए, और जब दोहनी में दूधई ना हित मिलार रोवे चिल्लाए, छछुंदर दंड मारे मूस भाग पर आए, गंजारे से भाई मेरा रू बखरी आज हमार निकल गई, के करे माथे शान बघारी कुल चिजिए, एक जोरदार तालियों के साथ आइए मैं क्रम को अब थोड़ा रस को तब्दील करना चाहता हूं, और आपने ओज हास्य तमाम तरह के रसों का आनंद लिया, अब हमारे मंच पर एक ऐसे बड़े गीतकार बैठे हैं जिनका जी आदरणीय योगेश त्रिपाठी जी जो कि जगदीश चंदा जगदीशपुरी बगल में जी जी आदरणीय प्रधान जी की ओर से 101 रुपए का सादर सम्मान, मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम करता हूँ, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ प्रधान। हाँ हाँ नहीं स्पेशल आपको दे दिया जाएगा, आप घबराइए ना उसमें, हाँ जी जी सबके लिए नहीं स्पेशल आपके लिए है, मैं सीधे वही ट्रांसफर कर दूंगा जी जी। और अश्विनी भारतीय जी ग्राम विकास अधिकारी महोदय आपकी जानिब से 201 रुपए का सादर सम्मान, अश्विनी भारतीय जी उन्हीं के कर कमलों द्वारा अनुस्थल में सभी कवियों को भेंट किया गया, जोरदार तालियां अश्विनी भाई के लिए, नई नियुक्ति है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, दमदमाता चेहरा है, सही है जैसे कहन की सिर पर धूप पीठ पर कारी बदरी है, जैसे राम धनी के दुल्हन नदी नहाए में सरी है, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा खूबसूरत चेहरा है। आइए मैं अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में एक ऐसे गीतकार बैठे हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर न जाने कितनी बार यात्राएं उनकी हुई हैं और हम सबका बड़ा सौभाग्य रहता है। किंडर गार्डन स्कूल के प्रबंधक आदरणीय दीपू यादव जी जी, दीपू यादव सर की ओर से 101 रुपए का सादर सम्मान, आपका बगल में कॉन्वेंट है उसके आप चेयरमैन, 101 रुपए का सादर सम्मान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। और आइए गीतों की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ, मेरा आशय हमारे बीच में हम सबके अग्रज जिनकी गोद में हम लोग बैठ कर कुछ कविता का थोड़ा बहुत अभी का कहना ही सीखे हैं, अभी तो कायदे से हम लोग शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं लेकिन इतने सभी लोग हैं कि फिर भी हम लोगों को बीच में गोदी में बैठा के सिखाते
हैं,